हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे, आपका गेम प्ले भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एफएफ नाइट गेमर और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MP40 के बेस्ट गन स्किन के बारे में। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि MP40 का कौन सा गन स्किन सबसे बेटर गन स्किन है, कौन सा गन स्किन क्लास स्क्वाड के लिए बेस्ट है, कौन सा गन स्किन रैंक गेम के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरा वीडियो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ, जो आप सबके लिए यूजफुल साबित होता है और बहुत नॉलेजफुल वीडियो होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने एक स्पेशल डायमंड गिववे भी रखा है। गिववे इसलिए क्योंकि मैंने अपने चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने अपने इस वीडियो के अंदर डायमंड गिववे रखा है। गिववे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना होगा। लाइक टारगेट में रखता हूँ, कम से कम 1,000 लाइक आप लोग को कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा आप लोग को इस वीडियो पर अपना UID के साथ अपना नाम कमेंट करना होगा और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। उसके पास में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर लेना होगा। ये सब करने के बाद मैं आप लोगों का कमेंट पिकर से पिक करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि इस गिवे का विनर कौन हुआ, और जो इस गिवे का विनर होगा मैं उसके अकाउंट में डायमंड टॉप अप कर दूंगा। तो चलिए, अब ज्यादा देर ना करते हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 4 के गन स्किन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे नंबर 4 पे आता है MP40 का मैकेनिकल गन स्किन, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस गन स्किन के एबिलिटी का, तो इसके अंदर हमें डैमेज डबल देखने के लिए मिल जाता है, रेंज सिंगल देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर सिर्फ रिलोड स्पीड सिंगल माइनस देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला गन स्किन बहुत ही ज़्यादा OP गन स्किन है और काफ़ी सारे बंदे इस गन स्किन को यूज़ भी करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी गन स्किन में क्या होता है, किसी भी गन स्किन में उसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गन स्किन के डैमेज के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैकेनिकल MP40 एकदम क्लोज रेंज में बॉडी शॉट दे रहा है 26 का, यानी कि 26 का बॉडी डैमेज दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डैमेज है। अगर बात किया जाए इसके हेडशॉट डैमेज का, तो फ्रेंड्स ये हेडशॉट दे रहा है 143 का। तो फ्रेंड्स, इसका हेडशॉट भी ठीक है और इसका डैमेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को डैमेज डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करूँ मैं थोड़े लॉन्ग रेंज से डैमेज का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थोड़े लॉन्ग रेंज से ये वाला गन स्किन 19 का डैमेज दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डैमेज है। फ्रेंड्स, इसके अंदर मुझे डैमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को डैमेज और MP40 के मुकाबले इसके अंदर आप लोग को डैमेज बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है दूसरे MP40 के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, ये वाला गन स्किन डैमेज के मामले में तो एकदम परफेक्ट गन स्किन है। और अगर बात किया जाए इस गन स्किन के रेट ऑफ फायर का, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर नॉर्मल ही देखने के लिए मिलता है, कोई भी आप लोग को एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि MP40 के अंदर पहले से ही रेट ऑफ फायर बहुत ही अच्छा दिया गया रहता है, तो अगर इसके अंदर रेट ऑफ फायर अगर नहीं भी है, यानी नॉर्मल भी है, तब भी आप लोग को इसके वजह से कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये वाला गन स्किन एनिमी के ऊपर बहुत ही अच्छा हेडशॉट मारता है, अगर आप लोग ने इस गन स्किन को यूज़ किया होगा तो। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि ये वाला गन स्किन रैंक गेम के लिए बहुत ही परफेक्ट गन स्किन है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर आप लोग को डैमेज के साथ साथ रेंज भी सिंगल देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप लोग एनमी से थोड़ा रेंज बना के फाइट करते हैं, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर डैमेज देते हो, तो फ्रेंड्स ये वाला बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दे देता है एनमी के ऊपर। इसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेंज दिया गया है, इसके वजह से ये वाला गन स्किन स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा बेहतरीन गन स्किन हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो बंदा मेरे से शॉर्ट रेंज से थोड़ा सा दूर है, तो मैंने उसके ऊपर फायर किया, तो वहाँ पर मुझे 22 का और 16 का डैमेज देखने के लिए मिला, जो कि बहुत ही अच्छा डैमेज है। डबल डैमेज होने के कारण ये वाला गन स्किन बहुत ही अच्छा डैमेज दे देता है एनमी के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस बंदे को 26 का डैमेज हुआ और ये बंदा नॉक हो चुका। फ्रेंड्स, ये बंदा अपने वेस्ट नहीं बना था, इसलिए इसे पूरा फुल डैमेज हुआ। फ्रेंड्स, डैमेज के मामले में ये वाला गन स्किन बहुत ही ज़्यादा OP गन स्किन और बहुत ही कमाल का गन स्किन है। तो फ्रेंड्स, ये वाला गन स्किन मुझे तो बहुत बेहतरीन लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैकेनिकल MP40 के बाद हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे आता है पोकर MP40, यानी कि येलो वाला MP40। अगर मैं बात करूँ इस गन स्किन के एबिलिटी का, तो इसके अंदर हमें डैमेज डबल देखने के लिए मिल जाता है, रेट ऑफ फायर सिंगल देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, वो इस गन स्किन का रेंज, क्योंकि इसके अंदर रेंज माइनस कर दिया गया, जिसकी वजह से इस गन स्किन को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है।
अगर बात किया जाए इस गन स्किन के डैमेज का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जब एनमी को ऊपर फायर कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट रेंज में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बॉडी डैमेज दे रहा है 25 का, जो कि मतलब मैकेनिकल एमपी 40 के मुकाबले एक कम है। मैकेनिकल एमपी 40 26 का डैमेज दे रहा था और ये 25 का डैमेज दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इस गन स्किन के हेडशॉट का, तो फ्रेंड्स ये वाला गन स्किन हेडशॉट देता है 137 का। यहाँ पे आप लोग फील देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जब थोड़ा सा और रेंज भराया तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें सेम 25 का ही डैमेज देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स डैमेज तो इसका ठीक ठाक ही है। अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा रेंज भराता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि इतने दूर से भी उस एनमी को ऊपर 18 का डैमेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स डैमेज के मामले में पोकर एमपी 40 भी बहुत ही बेहतरीन गन स्किन है। 25 का डैमेज कम डैमेज नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एमपी 40 है वो इससे एक डैमेज ज़्यादा दे रहा था और पोकर एमपी 40 25 का डैमेज दे रहा है, मैकेनिकल एमपी 40 26 का डैमेज दे रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इन दोनों गन स्किन के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। डैमेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोकर एमपी 40 वाला गन स्किन बहुत ही कमाल का गन स्किन है। अगर आप लोगों ने इस गन स्किन को यूज़ किया होगा तो आप लोग को पता होगा कि इस गन स्किन में मतलब डैमेज के साथ साथ जो रेट ऑफ फायर है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इस गन स्किन के अंदर डैमेज के साथ साथ रेट ऑफ फायर सिंगल हो जाने के कारण ये वाला गन स्किन बहुत ही ज़्यादा ओपी गन स्किन हो जाता है। फ्रेंड्स पोकर एमपी 40 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गन स्किन है। अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो आप लोग को पता होगा कि ये वाला गन स्किन एकदम क्लोज रेंज की फाइट में बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है एनमी को ऊपर, बहुत ही गंदा वाला डैमेज देता है एनमी को ऊपर। मतलब कि एकदम शॉर्ट रेंज में तो ये वाला गन स्किन एनमी को बिल्कुल भी बचने का चांस देता नहीं है। लेवल 2 का वेस्ट हो चाहे लेवल 3 का वेस्ट हो, ये वाला गन स्किन बहुत ही तगड़ा तोड़ता है उस वेस्ट को। एकदम क्लोज रेंज की फाइट में तो आप लोग को इस गन स्किन के अंदर कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स वहीं पर जब बात आता है कि एनमी जब आप लोग से थोड़ा सा शॉर्ट रेंज से थोड़ा सा दूर हो, यानी कि मिड रेंज में हो, तब वो जाके ये वाला गन स्किन मतलब थोड़ा सा गंदा परफॉर्मेंस करने लगता है। यानी कि अगर आप लोग थोड़े दूर के एनमी के ऊपर इस गन स्किन से फायर करते हैं तो वहाँ पे ये वाला गन स्किन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर करने लगता है। फ्रेंड्स रिक्वायर इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर जो रेंज है वो माइनस कर दिया गया, जिसकी वजह से इसके अंदर आप लोग को बहुत ही खराब स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलने लगता है। मतलब कि फ्रेंड्स ये वाला गन स्किन वैसे तो बहुत ही अच्छा गन स्किन है, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर जो रेंज माइनस कर दिया गया है वही इस गन स्किन का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला गन स्किन हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारे पोकर एमपी 40 के बाद जो कि हमारे नंबर 3 पे आता है। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 2 के गन स्किन का। तो फ्रेंड्स हमारे नंबर 2 पे आता है बनी एमपी 40। फ्रेंड्स मुझे पता है कि बनी एमपी 40 को नंबर 2 पे देख के आप लोग में से बहुत सारे बंदे मुझे बोल सकते हैं कि ये वाला कैसा वीडियो है, बनी एमपी 40 नंबर 2 पे कैसे आ गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि बनी एमपी 40 को क्यों मैंने नंबर 2 पे रखा और इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गन स्किन के एबिलिटी का। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें डैमेज सिंगल प्लस देखने के लिए मिलता है, रेंज डबल प्लस देखने के लिए मिलता है और मैगजीन सिंगल माइनस देखने के लिए मिलता है। अगर बात करूं मैं इस गन स्किन के डैमेज का, तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि एकदम क्लोज रेंज में ये वाला गन स्किन बॉडी शॉट दे रहा है 25 का, जो कि मतलब पोकर एमपी 40 भी 25 का ही डैमेज दे रहा था और बनी एमपी 40 भी 25 का ही डैमेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसका डैमेज भी ठीक ही है एकदम क्लोज रेंज में। तो हम इसका थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे हम इसका थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं, तो फ्रेंड्स यहां पे भी ये वाला गन स्किन 25 करके ही डैमेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम क्लोज रेंज में और थोड़ा सा और क्लोज रेंज में ये वाला गन स्किन सेम ही डैमेज दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अब हम इस गन स्किन का थोड़ा लॉन्ग रेंज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका दूरी और बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला गन स्किन डैमेज दे रहा है 15 का, जबकि पोकर एमपी 40 दे रहा था 18 का और मैकेनिकल एमपी 40 दे रहा था 19 का। तो सबसे कम हमें इसी गन स्किन के अंदर डैमेज देखने के लिए मिल रहा है थोड़े लॉन्ग रेंज। तो यहाँ पे आप लोग ने देख लिया कि एकदम क्लोज रेंज में बनी एमपी 40 दे रहा है 25 का डैमेज और थोड़े से लॉन्ग रेंज में डैमेज दे रहा है 18 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस गन स्किन का डैमेज मुझे ठीक ठाक ही लगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डैमेज सिंगल है। इसके बावजूद भी वाला गन स्किन एकदम क्लोज रेंज में 25 का डैमेज दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डैमेज है। और रहा बात इस गन स्किन के स्टेबिलिटी का, तो फ्रेंड्स ये वाला गन स्किन स्टेबिलिटी के मामले में और सारे एमपी 40 के गन स्किन का बाप है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को रेंज डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से ये वाला गन स्किन स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गन स्किन हो जाता है। और रहा बात इस गन स्किन के रेट ऑफ फायर का, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बनी एमपी 40 के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर देखने के लिए नहीं मिलता है। बनी एमपी 40 के अंदर हमें नॉर्मल ही रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स ये वाला गन स्किन ओवरऑल बहुत ही पावरफुल गन है और बहुत ही खतरनाक गन है। इसके अंदर जो रेंज डबल दिया गया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस गन स्किन का। फ्रेंड्स रेंज के मामले में वाला गन स्किन बहुत ही बेहतरीन गन है। एमपी 40 का भी कोई भी गन स्किन में आप लोग को रेंज डबल प्लस देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बनी एमपी 40 के अंदर हमें रेंज डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से ये वाला गन स्किन बहुत ही कमाल का हेडशॉट मारता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बंदे उतने दूर खड़े हैं और मैं यहाँ से उन लोगों को फायर कर रहा हूँ, तो उन लोगों को कितना कमाल का हेडशॉट लग रहा है।
फ्रेंड्स बनी MP40 का हमारे इंडिया का सर्वर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि फ्रेंड्स बनी MP40 हमें सिर्फ इंडिया का सर्वर में एक स्पेशल एयर ड्रॉप में ही देखने के लिए मिलता है। आप लोग को अर्बन स्टोर के अंदर बनी MP40 देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ एक स्पेशल एयर ड्रॉप के अंदर ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स इस बनी MP40 को निकालने के लिए जब से अज्जू भाई ने 2 लाख डायमंड खर्च कर दिए हैं, तब से ये वाला गन स्किन और भी ज़्यादा डिमांड में आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पास बनी MP40 परमानेंट है, और अगर है तो आप लोगों ने इस गन स्किन को कब निकाला था, और इस गन स्किन को निकालने के लिए आप लोगों का कितना डायमंड खर्च हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे बनी MP40 का फुल डिटेल्स। ये वाला गन स्किन बहुत ही OP गन स्किन है, बहुत ही लेजेंडरी गन स्किन है। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 1 के गन स्किन के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे आता है कोबरा MP40, MP40 का लेटेस्ट गन स्किन जो कि रिसेंट अभी गेम के अंदर आया है। अगर मैं बात करूँ इस गन स्किन की एबिलिटी का, तो इसके अंदर हमें डैमेज डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, और रिलोड स्पीड सिंगल माइनस देखने के लिए मिल जाता है। और अगर बात की जाए इस गन स्किन के डैमेज का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि एकदम क्लोज रेंज के फाइट में एनमी को ऊपर डैमेज दे रहा है 25 का। पोकर MP40 भी 25 का ही डैमेज दे रहा था, और बनी MP40 भी एकदम क्लोज रेंज में 25 का ही डैमेज दे रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इन तीनों गन स्किन के डैमेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। और रहा बात इस गन स्किन के हेडशॉट रेट का, तो फ्रेंड्स ये अलग भी गन स्किन एनमी को ऊपर 137 का ही हेडशॉट दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और रेंज बढ़ाते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी हमें सेम ही डैमेज देखने के लिए मिलता है, 25 का ही डैमेज। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और रेंज बढ़ाते हैं और लॉन्ग रेंज में जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 19 करके डैमेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस गन स्किन का डैमेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो पोकर MP40 इतने दूर से डैमेज दे रहा था 18 का, मैकेनिकल MP40 इतने दूर से डैमेज दे रहा था 19 का, बने MP40 इतने दूर से 15 का डैमेज दे रहा था, और कोबरा MP40 इतने दूर से 19 का डैमेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे इस गन स्किन का एक बात बहुत ही अच्छा लगा कि इस गन स्किन से अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से थोड़ा फायर करते हैं तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिलता है बने MP40 के मुकाबले और पोकर MP40 के मुकाबले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जो कोबरा गन स्किन का लॉन्ग रेंज का डैमेज है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज है बनी MP40 से और पोकर MP40 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे इस गन स्किन का डैमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उन दोनों गन स्किन के मुकाबले। और रहा बात इस गन स्किन के रेट ऑफ फायर का, तो मुझे फ्रेंड्स इस गन स्किन के रेट ऑफ फायर के बारे में आप लोग को बताने का बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इस गन स्किन का रेट ऑफ फायर कितना कमाल का है। इस गन स्किन के अंदर रेट ऑफ फायर होने के कारण ये वाला गन स्किन बहुत ही तगड़ा हेडशॉट मारता है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। और रहा बात इस गन स्किन के रेंज का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस गन स्किन के अंदर आप लोग को नॉर्मल ही रेंज देखने के लिए मिलता है, ना कि इसके अंदर आप लोग को ज़्यादा रेंज देखने के लिए मिलता है, ना कि कम रेंज देखने के लिए मिलता है। इस गन स्किन के अंदर आप लोग को नॉर्मल ही रेंज देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से ये वाला गन स्किन बहुत ही OP गन स्किन हो जाता है हर मामले में। और फ्रेंड्स इस गन स्किन के अंदर हमें एक और चीज़ बहुत ही कमाल का देखने के लिए मिलता है, उस गन स्किन का बोनस डैमेज, मतलब कि अगर आप लोग इस गन स्किन को फुल अपग्रेड कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप लोग इस गन स्किन से एनमी के पीठ के ऊपर फायर करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को बहुत ही एक्स्ट्रा डैमेज देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोबरा MP40 हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 के लिए मुझे बिल्कुल भी सही गन स्किन लगा। इस गन स्किन का जो है, इस गन स्किन के अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाता है, एक्स्ट्रा डैमेज देखने के लिए मिल जाता है, आप लोग को लॉन्ग रेंज का डैमेज बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, रेंज भी आप लोग को बिल्कुल भी सही देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को और क्या चाहिए, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने इस गन स्किन को नंबर 1 पर रखा। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग के मन का बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा इन चारों गन स्किन को लेके। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके पास में एक बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अपने अगले वीडियो में इसी तरह के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, किस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई है, ऊपर से शब्दों का चाहता है। What?